हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आरटी मूव्स। ये वाला कमीशन वर्क मुझे फेसबुक से आया था और इसे करने में मुझे बहुत खुशी हुआ, बट पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ख़राब था। जो मुझे फ़ोटोज़ दिए गए थे तो वो काफ़ी ख़राब थे, तो उसे देख के ड्रॉ करने में काफ़ी मुश्किल हुआ, बट कोशिश किया मैंने जितना हो सका मेरी तरफ से। तो ये है फर्स्ट, पहले मेरा हर ड्राइंग का लाइट कलर मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फेस का, बट इस बार मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड पहले कर लिया, क्योंकि बैकग्राउंड करने के बाद बहुत सारा चीज़ें आसान हो जाता है करना, और आपको बैकग्राउंड कैसा बनेगा कैसा नहीं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके फेस पोर्ट्रेट के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहले मैं बैकग्राउंड का कलर कर लिया हल्के तरीके से, फिर आया। अब ड्राई होने के बाद मैं सेकेंड लेयर पर गया, बालों में भी देख सकते हो मैंने पहले कलर कर लिया था, तो वही ताकि दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि बाद में ये जो लाइट टोन है ना, ये लाइट टोन दिखता नहीं है। आप अगर डायरेक्ट डार्क में चले जाओ तो लाइट टोन दिखेगा नहीं, लाइट जो ब्लैकिश है हेयर का, जो हल्के कलर का ब्लैक है वो दिखता नहीं है, तो उसे पहले कर लेना ज़रूरी होता है। तो हर ड्राइंग में, कोई भी वाटर कलर ड्राइंग में पहले लाइट कलर से एक कोट कर लेना ही चाहिए। तो और एक फेस पोर्ट्रेट बनाने में बार बार आपको फेस ओरिजिनल को देख के उसके साथ मैच करना होता है, बार बार देख के हर चीज़ को करेक्शन करने के बाद जाके तब जाके एक कंप्लीट होता है पोर्ट्रेट। और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है कि ये घंटे भर या एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, धीरे धीरे कंप्लीट होता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा पहले से देने की ड्राइंग हाथ में, एटलीस्ट 1 वीक देने की ड्रॉ करने के लिए। शायद ड्रॉ करने में तो उतना टाइम ना लगे, बट हम अगर रख दें ड्राइंग थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि मैं करता हूँ, पहले ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा रख देता हूँ, फिर ड्रॉ करता हूँ, तो इससे क्या होता है, गलतियाँ खामियाँ दिख जाता है। नहीं तो लगातार आप ड्रॉ करने बैठो तो खामियाँ नहीं दिखता, लगता है कि सही हो रहा है, बट कंप्लीट होने के बाद दिखते हैं कि बहुत सारा खामियाँ निकल गया। ठीक है, प्लीज़ आप सब ये चीज़ ध्यान रखो। और एक चीज़ है कि आप प्लीज़ क्वालिटी थोड़ा अच्छा भेजो ड्राइंग करने के लिए। जो भी आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, ये चीज़ें ना लाइफ टाइम रह जाता है घर पे, दीवार पे, या किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उनके उनके साथ। तो प्लीज़ ये चीज़ आपका ध्यान रखिए कि ड्राइंग क्वालिटी अच्छा होने के लिए आपको फ़ोटो क्वालिटी भी अच्छा भेजना पड़ेगा, तभी सारे डिटेल्स हम देख के अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर आपका ऑर्डर, आपके ऑर्डर्स के लिए शुक्रिया। आई होप मैं एक आपको ऐसा मेमोरी दे पाऊँ कि लाइफ टाइम आपके साथ रह जाए, और बस इतना ही, थैंक यू। ड्राइंग 90% कंप्लीट होने के बाद मैं छोड़ देता हूँ अपने आप को, ऐसे खुले सांड की तरह छोड़ देता हूँ, ताकि अब मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, ना रेफरेंस फ़ोटो देखता हूँ ना कुछ। मुझे लगता है अब आर्टिस्ट के लिए वो 10% 90% कंप्लीट होने के बाद वो 10% मैं अपने लिए खुला रखता हूँ ड्राइंग में, जो चाहे मैं करूँ, जैसे चाहे डिज़ाइन बनाऊँ, बैकग्राउंड बनाऊँ, जो चाहे करूँ। इस वाले ड्राइंग का फाइनल पार्ट कुछ ऐसा आया है मेरे खुला छोड़ने के बाद, तो आई होप सबको पसंद आया ये वाला, और आप भी अपने पोर्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।